शराब का अड्डा नहीं बनेंगे, जम्मू को 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 शराब का अड्डा नहीं बनेंगे। उपराज्यपाल महोदय होश में आओ, होश में आओ। 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 देखिए हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो उपराज्यपाल महोदय के खिलाफ है। जिस प्रकार से जम्मू को शराब का अड्डा बनाने की कोशिश की जा रही है, आज हम उसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। इससे पहले भी जो पिछली सरकारें रही हैं उन्होंने जब यहाँ पर वाइन शॉपें खोली तो किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया। हर मंदिर के 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर के दायरे के अंदर अंदर वो वाइन शॉपें खोली गई, जिससे हमारी आस्था को ठेस पहुंचती है। तो हम ये पूछना चाहते हैं उपराज्यपाल महोदय जी से कि 4 दुकानें केवल कश्मीर के अंदर, अभी आपने 83 का टेंडर किया वहां पर और वहां पे एक भी नहीं खुल रही है। वहां के लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं, लेकिन जम्मू को आप नशे में डुबोना चाहते हैं। आप एक एक्साइज के लिए आप पूरे जम्मू को नशे में डुबोना चाहते हैं। इससे पहले जम्मू जो है वो नशे की गिरफ्त में है। यहाँ पर कई प्रकार के नशे जो पुलिस जो है वो जूझ रही है यहाँ पर नशा तस्करों के उस पकड़ने के लिए, लेकिन आप और यहाँ पर वाइन शॉपें खोलकर इसको बिल्कुल नशे में डुबोना चाहते हैं यहाँ के युवाओं को। ऐसा हम कतई नहीं होने देंगे। हम माननीय उपराज्यपाल महोदय जी को ये चेतावनी दे रहे हैं कि जितने भी ये वाइन शॉपें जो मंदिरों के करीब करीब हैं, इन सभी को हटाया जाए, क्योंकि हमारी आस्था को ठेस पहुंचती है। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, जो उसको फॉलो किया जाए और कोई भी नई दुकान जो है वो जम्मू की धरती के ऊपर नहीं खुलने दी जाएगी। जो अभी पुरानी बंद हो रही हैं और नई हम यहाँ पर नहीं खुलने देंगे। ये हम माननीय उपराज्यपाल महोदय को आज यहाँ पर चेतावनी देने आए हैं।